हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप 125 सीसी की बाइक लेने में कंफ्यूज हैं फ्रेंड्स, तो आज आपको मैं 125 सीसी में कौन सी बाइक एक वैल्यू फॉर मनी रह सकती है, या फिर कौन सी बाइक एक न्यू लॉन्च आपको बाइक लेनी है 2023 में, आप स्टूडेंट हैं या फिर ऑफिस वगैरह जाने के लिए, कोई सी भी बाइक अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स 1,10,000 या 1,20,000 के आसपास, तो आज उसी के लिए आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आज आपके लिए कौन सी एक बाइक एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक रह सकती है। तो आज मैं दो बाइक लेके आया हूँ फ्रेंड्स, एक पल्सर 125 और एक TVS राइडर 125। इन दोनों का हम डिटेल में कंपैरिजन करेंगे कि आपके लिए कौन सी एक वैल्यू फॉर मनी रह सकती है और कौन सी आपको नहीं लेनी चाहिए, या फिर अगर अब मार्केट में किसी का वैल्यू बना हुआ है पहले से तो आप उस पे जाएं, या फिर जो न्यू लॉन्च हुई है उस पे जाएं। तो आज हम डिटेल में दोनों बाइकों का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी बाइक आपके लिए एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रह सकती है। अगर आप एक लाख दस हज़ार रुपये अगर आप खर्च कर रहे हैं तो एक बेस्ट बाइक आप परचेस करें, तो इसी के लिए आज हम पूरी डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सारे फीचर्स वगैरह सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे जानेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं बता रहा हूँ TVS राइडर के बारे में और पल्सर 125 के बारे में, जो कि TVS राइडर हाल में ही लॉन्च हुई है, 1-2 साल हुए हैं उसको लॉन्च हुए हुए, और बट जो पल्सर 125 है वो काफ़ी समय से मार्केट में है, जो क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू अगर आप करेंगे तो वो रीसेल वैल्यू जल्दी ज़्यादा होगी और लोग ज़्यादा जल्दी उसको ख़रीदेंगे। तो अगर आप एक रीसेल वैल्यू के लिए जाना चाहते हैं, या फिर अगर जो बाइक आपको पहले से ही जो मार्केट में चल रही है, या फिर जो आपको पहले से ही मतलब भरोसा है पल्सर पे, बजाज की बाइकों पे अगर भरोसा है, तो आप पल्सर को ही लेंगे क्योंकि आपने उसका मन पहले से ही बना रखा है। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू मतलब उतनी वैल्यू चाहिए, जो पहले से ही नाम फेम पहले से ही नेम फेम बना रखा है मार्केट में, तो अगर आप वही लेना चाहते हैं तो आप वही लेंगे फिर उसके लिए, तो आप कोई सी भी वीडियो देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बाइक लेना चाहते हैं, आपके मार्केट के लिए नेम फेम जो बाइकों का पहले से बना हुआ है उस पर ना जाके अगर आप एक स्मार्टली तरीके से सोचेंगे कि हाँ मेरे को पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ सही रहेगा, तो उसी के लिए इस वीडियो में मैं आज पूरी डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। तो फीचर्स की बात करें फ्रेंड्स, या फिर अदर चीज़ों की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन के बारे में। दोनों 125 सीसी का इंजन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। TVS राइडर की बात करें तो TVS राइडर में हमें एयर कूल्ड इंजन प्लस ऑयल कूल्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एयर कूल्ड इसमें ज़्यादा मतलब वर्क करता है, वो ऑयल कूल्ड भी इसमें देखने को हमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी महंगी गाड़ियों में हमें ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। वहीं हम पल्सर की बात करें तो यहाँ पे हमें सिर्फ एयर कूल्ड इंजन ही देखने को मिलता है। और इनकी इंजन की पावर की बात करें तो TVS राइडर की पावर की बात करें तो 7,500 RPM पर 11 BHP की पावर निकालती है, और यहाँ पर 6,000 RPM पर 11 Nm का टॉर्क यहाँ पर जनरेट करती है फ्रेंड्स। और अगर पल्सर 125 की बात करें तो यहाँ पे 8,500 RPM पर 11 BHP की पावर और 6,500 RPM पर 11 Nm का टॉर्क यहाँ पे हमें मिलता है। तो ये तो रही पावर और टॉर्क की बात, तो इसमें ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा पावर और टॉर्क में। बाकी अदर चीज़ों की बात करें यहाँ पे टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ हमें दोनों में सेम देखने को मिल जाते हैं। तो टायर साइज़ की बात करें तो 80-117 का हमें यहाँ पे फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है, और 190-17 का यहाँ पे हमें रियर टायर देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों में सेम साइज़ के टायर हमें कंपनी प्रोवाइड करती है। तो टायर और इंजन में आपको कोई ज़्यादा बड़ा इशू देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अगर कि लोग चाहते हैं कि मेरे को किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों चाहिए, तो वो सीधे पल्सर ही ले सकते हैं फ्रेंड्स। इन दोनों की अगर हम बात करें तो इनमें से, क्योंकि पल्सर में ही आपको किक और सेल्फ दोनों का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहीं हम TVS राइडर की बात करें तो TVS राइडर में हमें सिर्फ सेल्फ का ही ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। मैंने TVS राइडर पे एक ऑलरेडी अब वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, 1 ईयर का पर्सनली एक्सपीरियंस मैंने पूरा यूज़ किया हुआ है उसको, तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मैंने सारे प्रोस एंड कॉन्स उसके मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो और उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है उसकी, तो उसमें आपको क्लियर पूरा पता चल जाएगा उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बाकी अदर फीचर्स की हम बात यहाँ पर कर ही रहे हैं, तो अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे साइलेंट स्टार्ट का हमें ऑप्शन यहाँ पे TVS राइडर में हमें देखने को मिल जाता है, वहीं हमें पल्सर में साइलेंट स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है।
और अदर फीचर्स की बात करें जो कि यहाँ पे हमें स्मार्ट इंटेलिको सिस्टम यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है TVS राइडर में, जो कि अगर आप जाम वगैरह में आप फंसे हुए हैं ट्रैफिक वगैरह में, तो वहाँ पे गाड़ी ऑटोमेटिक 10 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगी और रेस देने पे हल्का सा वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे स्मार्ट इंटेलिको सिस्टम इस फीचर्स को कहते हैं जो कि TVS हमें प्रोवाइड करती है। वहीं हम पल्सर की बात करें तो यहाँ पे ये सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता है, बट वहाँ पे कंपनी ने इंजन किल स्विच हमें प्रोवाइड किया है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों आप अपने अपने सेगमेंट में सही हैं, दोनों ने अपना अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से या फिर जो भी कह सकते हैं हम, कंपनी ने अपने उसके हिसाब से यहाँ पे दोनों बाइकों को सही से यहाँ पे उतारा है फ्रेंड्स मार्केट में। और वहीं हम बात करें वहाँ पे हमें TVS राइडर में जो इंजन किल स्विच तो नहीं मिलता है, बट हमें पावर और इको मोड का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट हमें वहीं पल्सर में हमें यहाँ पे ये ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली। और अदर चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे स्प्लिट सीट और सिंगल सीट का, अगर हम स्प्लिट सीट और सिंगल सीट की बात करें तो यहाँ पे TVS में हमें ओनली स्प्लिट सीट वेरिएंट हमें देखने को मिलता है, वहीं हमें पल्सर में स्प्लिट और सिंगल सीट दोनों देखने को मिल जाता है। ग्रैब रेल की बात करें तो TVS में हमें सिंगल सीट वाला ही ग्रैब रेल देखने को मिलता है, बट पल्सर में हमें सिंगल सीट के साथ सिंगल सीट वाला ग्रैब रेल और स्प्लिट सीट के साथ स्प्लिट सीट वाला ग्रैब रेल देखने को मिलता है। तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बट अगर आपको स्प्लिट सीट वाला ग्रैब रेल मतलब चाहिए तो पल्सर वो पल्सर में ही देखने को मिलेगा। स्प्लिट सीट वाला मतलब TVS राइडर में जो स्प्लिट सीट वाला जो ग्रैब रेल है वो सिंगल सीट वाला है, बट इतना बेकार भी लुक नहीं है उसका, वो आप खुद ही देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अदर चीज़ों की बात करें सीट हाइट की, तो यहाँ पे सीट हाइट हमें 780 mm की हमें TVS राइडर में देखने को मिल जाती है, वहीं हमें 790 mm की पल्सर में देखने को मिल जाती है। और चीज़ों की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे साइलेंसर का जो एग्जॉस्ट साउंड है फ्रेंड्स वो काफ़ी अच्छा हमें TVS राइडर में देखने को मिल जाता है। अगर आप शोरूम पे जाके राइडिंग वगैरह करके ज़रूर देखें फ्रेंड्स, तो उसमें आपको इजीली फ़र्क देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे साउंड है फ्रेंड्स। मैंने अपने चैनल पे इसके साउंड का भी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वहीं पल्सर की बात करें तो वहाँ पे हमें ऐसा साउंड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो साउंड के मामले में फ्रेंड्स TVS राइडर कहीं थोड़ा सा आगे निकल जाती है, क्योंकि इसका जो एग्जॉस्ट है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए थोड़ा सा उठा हुआ है फ्रेंड्स, और वहीं हमें पल्सर में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। वहीं वेट की बात करें फ्रेंड्स तो TVS राइडर यहाँ पे 123 किलोग्राम वेट के साथ हमें देखने को मिलती है, वहीं पल्सर हमें 140 किलोग्राम वेट के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो वेट के मामले में पल्सर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हमें वेट देखने को मिलता है पल्सर में, जो कि पल्सर जो अभी जो फ्रेंड्स जो न्यू वाला जो मॉडल आ रहा है पल्सर 125 का, जो पल्सर 150 जो आती थी फ्रेंड्स, अब उसी की तरह यहाँ पे पल्सर 125 हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि 150 में कंपनी ने दूसरा एकदम न्यू लुक वाला यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो उसकी भी वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, तो आपने वो देखा नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है। और पल्सर 160 का भी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें उसके बारे में बता के मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है फ्रेंड्स, तो आप वहाँ पे वो भी वीडियो जाके हमारी देख सकते हैं। और चीज़ों की बात करें जैसे माइलेज हो गया या फिर ऑन रोड प्राइस, तो माइलेज की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल सिटी में हमें 50 से 55 तक का माइलेज हमें TVS राइडर में देखने को मिल जाता है, वहीं हमें 45 से 50 तक का हमें पल्सर में सिटी राइडिंग में देखने को मिल जाता है। वहीं हाईवे की बात करें तो 60 से 65 तक का माइलेज हमें TVS राइडर में देखने को मिल जाता है, और वहीं पल्सर में हमें 55 से 60 तक का माइलेज हाईवे पर देखने को मिलता है। ये फ्रेंड्स मैंने पर्सनली अपना यूज़ किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी रियल माइलेज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको इतना ही देखने को मिलेगा और इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बाकी ये तो रही माइलेज और सारी चीज़ों की बात। टैंक कैपेसिटी की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमें 10 लीटर का टैंक TVS राइडर में देखने को मिल जाता है, वहीं 11.5 लीटर का टैंक हमें पल्सर में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पल्सर में ज़्यादा बड़ा टैंक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि उसका साइज भी थोड़ा सा मतलब उसका वेट भी ज़्यादा है, तो अगर आपको वेट से ज़्यादा इशू नहीं है तो आप पल्सर को ले सकते हैं। और वहीं प्राइस की बात करें ऑन रोड प्राइस की, तो यहाँ पे हमें प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो TVS का जो न्यू वाला मॉडल जो आया है फ्रेंड्स, जो काफ़ी एडवांस वाला जो मॉडल आया है जो TFT डिस्प्ले के साथ, वहाँ पे हमें 1,20,000 के आसपास वो हमें देखने को मिलता है। वो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग डिपेंड कर सकता है। वहीं पल्सर की बात करें तो ये हमें
110,000 से 112,000 के यहाँ बीच में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो आप खुद ही फ़र्क देख सकते हैं, यहाँ पे पल्सर TVS राइडर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलती है, बट वो जस्टिफाई भी है क्योंकि यहाँ पे हमें कंपनी कितना ज़्यादा फीचर्स हमें प्रोवाइड कर रही है और काफ़ी अच्छी वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी और मार्केट में भी उसकी काफ़ी अच्छी वैल्यू आपको खुद ही देखने को मिल जाएगी। एक जो आप राइडिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा फ्रेंड्स उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में। और पल्सर की बात करें तो वो काफ़ी पुरानी बाइक है, लोग पहले से ही उसको जानते हैं, पहले से ही पसंद करते हैं, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। और यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है फीचर्स के मामले में, कहीं ना कहीं TVS राइडर काफ़ी आगे निकल जाती है पल्सर से। तो आप एक न्यू लॉन्च बाइक लेना चाहते हैं जो कि एक स्पोर्टी लुक के साथ साथ हमें सारी फीचर्स यहाँ पे इजीली प्रोवाइड करें तो आप TVS राइडर को ही लें। अगर आपको ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे आप पल्सर ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम मैं TFT डिस्प्ले की बात करना यहाँ पे भूल गया, तो यहाँ पे हमें TFT डिस्प्ले यहाँ पे हमें TVS राइडर में देखने को मिल जाता है जो कि ब्लूटूथ नेविगेशन सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराती है। वहीं हमें पल्सर में डिजिटल और एनालॉग दोनों मीटर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें फुली डिजिटल मीटर TVS राइडर में देखने को मिलता है, वहीं हमें एनालॉग और डिजिटल मीटर हमें पल्सर में देखने को मिलता है, जो कि अभी के टाइम से इसके हिसाब से अगर आप 2023 में बाइक लेने की सोच रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिजिटल मीटर वाला ही परचेज़ करें क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लुक देखने को मिलता है यहाँ पे। और वहीं हम LED लाइट की बात करें तो LED लाइट हमें फ्रंट में TVS राइडर में हमें LED लाइट प्लस DRL यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वहीं पल्सर में हेलोजन लाइट बल्ब के साथ ये हमें देखने को मिलता है, हेलोजन लाइट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस कटिंग किया गया है, यहाँ पे भी पल्सर में भी अब LED लाइट वगैरह लॉन्च कर ही देनी चाहिए, तो यहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा देखना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से सारा मैंने डिटेल में यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे कर दिया है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपने उसकी बात करूँ तो मेरे हिसाब से तो TVS राइडर एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक रह सकती है। अगर आप 125cc बाइक 125cc सेगमेंट में बाइक लेने की सोच रहे हैं, अदरवाइज़ अगर आपने पहले से ही मन बना रखा है कि मार्केट में जो पहले से ही बाइक चल रही है जैसे पल्सर हो गया या फिर कोई और बाइक, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में कंपैरिजन कर दिया, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।